संजय विंसेंट, सेंट जॉन्स चर्च बशारतपुर गोरखपुर, प्रेसबिटर इन चार्ज एंड डीन ऑफ गोरखपुर। इस समय पूरे विश्व के अंदर गुड फ्राइडे और ईस्टर के पर्व को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। होली वीक की सभाएं जो है चल रही हैं और 3 तारीख को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। गुड फ्राइडे का पर्व ईसाई समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन प्रभु ईसा मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था और उन्होंने सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, केवल इसराइल जाति के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को कुर्बान किया और अपना बहुमूल्य खून बहाकर उनको उनके पापों से मुक्त कराया। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार उनको जब वो उन्होंने अपना प्राण क्रूस के ऊपर त्यागा, उसके बाद उनको कब्र में रखा गया और उन्होंने पहले भविष्यवाणी करी थी कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूँगा। तो गुड फ्राइडे के बाद तीसरे दिन उनको परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ से मृतकों में से जिला उठाया और वो लोगों को दिखाई पड़े मुर्दों में से जी उठने के बाद। 40 दिन तक वो दिखाई देते रहे, अपने शिष्यों से उन्होंने मुलाकात करी और परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश किया जाएगा इसकी शिक्षाएँ उनको दी। पक्के सबूत और पक्के प्रमाणों को उन्होंने विश्वासियों के सामने रखा और 40 दिन के बीतने पर फिर उनका स्वर्गारोहण हो गया, आसमान पर वो उठा लिए गए। मेरा नाम तो बिशप थॉमस है। गुड फ्राइडे की तैयारियों में हम लोग 40 दिन से ईस्टर मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस 40 दिन के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से अपने विश्वास में, क्रिस्तीय विश्वास में सुदृढ़ होने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए, मन परिवर्तन के लिए, अपने आचरण को क्रिस्तीय विश्वास के अनुसार साफ करने के लिए, ये सब हमारे प्रयास हैं।